आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मौसम चेंजेस के कारण थोड़ा गला बैठा हुआ है सर्दी के कारण और खांसी के कारण। तो अभी हम आए हैं जंगल घास काटने के लिए हमारी बकरियों के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जंगल कितना घना हो चुका है पहले से। बहुत सारे लोग घास लेके लौट रहे हैं। ये यहाँ का प्रतीक्षालय है जहाँ लोग बाग वेटिंग वेट करते हैं, और ये यहाँ के क्लब के थ्रू बनवाया गया है। और ये झुलंगे पुल डलने के लिए यहाँ पे इसके दो पिलर उठ चुके हैं, इस कोने में और इस कोने में काम चल ही रहा है इसका। तो वो आगे जा चुकी है मम्मी और चाची। अभी हम जंगल के थोड़ा से अंदर एंटर हो चुके हैं और मम्मी और चाची वो आगे पहुंच चुकी हैं। वो मेरे से थोड़ा जल्दी निकली थी क्योंकि, तो वो आगे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम भी जा रहे हैं और देखते हैं फिर कहाँ घास काटना है। पहले अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ हरियाली ज़्यादा होगी, फिर वहाँ घास काटा जाता है। ऐसी झाड़ियाँ सब खाती बकरी यहाँ पर। यहाँ हरियाली हो में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं है, हरियाली भर भर करे, इसलिए बकरियों के खाने के लिए यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, इसलिए यहाँ की बकरियाँ अच्छी तंदुरुस्त हैं। इतनी घास होने के कारण भी बाद भी हमारे इधर की बकरियाँ बहुत आलसी हैं, उनको यहाँ से घास काट के ले जा के देना पड़ता है घर में, बैठे बैठे खाती हैं। ये घास इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वन देवी को एक प्रकार से परमिशन लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस भी काम के लिए जंगल आए हैं वो अच्छे से हो। जैसे कि जो लकड़ी लेने आए हैं उन्हें अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिले, जो घास काटने आए हैं उन्हें अच्छी अच्छी घास मिले हरी हरी, इसलिए पहले वन देवी को ये पत्तियाँ तोड़ के, लकड़ियाँ तोड़ के चढ़ाया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है, एक प्रकार से उनसे प्रार्थना की जाती है। उसके बाद ही यहाँ पर फिर अपने अपने काम पर लोग लग जाते हैं। जैसे जो लकड़ी लेना है वो लकड़ी लेने चला जाता है, जो घास काटने है वो घास काटता है। तो इसलिए सबसे पहले वन देवी को एक प्रकार से, आप जहाँ भी जाते हैं उस जहाँ के देवता को पूजा जाता है एक प्रकार से। ये जो घास काट रही है साच का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और ये उसी के पेड़ हैं ये जो बड़े हो चुके हैं। ठंड और गर्मी में सूख जाती है यहाँ, ठंड और गर्मी में यहाँ नदी सूख जाती, नहीं तो इसमें से नदी बहती वहाँ से बहती आती इधर को जाती है बरसात के मौसम में। ये मेरी मम्मी का छाता,
बरसात में यही लेके घुमा करेंगी अब से, ठीक है? हाँ, बकरियों की घास को रखी रहूंगी। ये भारी बन के बन गया, तैयार हो गया। एक भारी वो तैयार हो गया, एक भारी ये तैयार हो गया, एक भारी उधर रखा है। बाहर है। हाँ, अब हम चले घर की ओर, हमारा घास लेकर झाड़ियों के बीच में से निकल के जाना है। नीचे पूरे पत्थर फंसे हुए हैं यहाँ पर। वो आ रहे हैं वो लोग, अभी पीछे ही मैं आगे निकल गई हूँ। वो आ रहे दोनों लोग, और अभी हम चलते हैं अपना भारी लेकर। अब अच्छे से जगह ढूंढ के इसको थोड़ी देर रखेंगे, उन लोग का वेट करेंगे और थोड़ा आराम भी हो जाएगा इसी बहाने। इधर खुली जगह है, इधर ही रख देती हूँ, ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ ये टिक जाए अच्छे से, ताकि दूसरी बार इसको उठाने में दिक्कत ना हो। इसलिए इसको ऐसी जगह ढूंढ के रखी जाती है जहाँ इसको हल्का सा टेक मिल जाए। ये लोग भी आ गए हैं, ये मेरा भारी पड़ा हुआ है, तो भी आ गए। अब ये लोग भी यहाँ रखेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे चलते बनेंगे। बस ऐसे ही बहन वाला से इन्हें बस इन्हें इन्हें हुए। हाँ ना, जल्दी चलेंगे तो क्या। अरे यार, आप छोड़ दो, छोड़ दे, थोड़ा डांस करके दिखा ना। चले घर, चलो चलो रेस्ट हो गया, जल्दी जल्दी अपना अपना सामान उठाओ, से घर की ओर चले। फिर से आराम हो चुका है सबका। घर आ चुके हैं, ये हमारी गाय है, ये हमारी बकरियां हैं जिनके लिए हम घास काट के लेकर आए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।